बिल्कुल स्टेट, देखिए एमएस एक्सेल में हम डॉक्यूमेंट टाइप किए हैं जिसमें आपको हम फुल नेम लिखे हैं, तो हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करते हैं करना है, तो कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आपको देखिए यहाँ पे आपको हम फुल नेम लिख दिए हैं और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट नेम है उसको लिख दीजिए, जैसे हम लिखे हैं लक्ष्य कुमार, ठीक है। और यहाँ पर आप टैब दबा के आगे बढ़ सकते हैं या तो एरो किसी भी ऐसे कुमार आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुमार लिखने के बाद क्या कीजिए कि पूरा डाटा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि कंट्रोल दबा के कंट्रोल दबा ले रहना, ठीक है। और कंट्रोल दबाने के बाद आपको ई प्रेस कर देना, आपका पूरा फर्स्ट नेम आ जाएगा। फिर उसी तरह से आपको लास्ट नेम लाने के लिए पूरा कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस ई दबा प्रेस कीजिए, आपको देखिए फर्स्ट और लास्ट नेम पूरा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा को ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे आपको जो होता है मिडिल सेंटर यहाँ पे आपको क्लिक कर देंगे सारा आपको बीच में आ जाएगा, देख लीजिए इस तरह के। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कंप्यूटर एक्सेल वाला को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।